है, आपको भी यहाँ आना है, स्टेज पर आना है, तो जोरदार तालियां बजाइए, वो हल्ला करिए, तीली बजाइए। सब इन्हें भी ट्रैफिक देने के लिए मैं अपने गुरु महागुरु और अजय सर को इनवाइट करता हूँ, लोगों को टाफी और माला दें पैनल के। उसके बाद भीड़ घटती शुरू हो गई, थोड़ा कम हुए, फिर थोड़ा कम हुए, फिर थोड़ा कम हुए, फिर कम हुए, इतना कम हो गए कि एक ही बचा। क्लियर? मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपने अभी स्टार पीन अचीवर को देखा, स्टार यानी लीडरशिप। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो स्टार बने, लीडरशिप बने। लीडरशिप का बिजनेस करने के लिए 3.5 लाख का मुंबई में घटना घटी थी मेरे साथ, तो बोला कि सर बीवी बोले कि बीवी बिजनेस पहलू। यस, कोई 3.5 लाख बीवी किसी के पास नहीं। ठीक है, तो 3.5 लाख बिजनेस पहलू करना पड़ता है, जिसकी अमाउंट रुपए में अगर की जाए तो 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख का 7 लाख रुपया होता है। 7 लाख रुपए का एक व्यक्ति टर्नओवर करता है, दुकान खोल के नहीं, बोल बोल के करता है, और पूरे हिंदुस्तान में उसका बिजनेस खड़ा हो जाता है, वो स्टार फिर बनता है। तो आपने क्या देखा अभी? अभी हमारे बीच में आए थे कपिल देव जी, स्टार फिर अचीवर थे। स्टार के बाद एक व्यक्ति का सपना होता है रॉयल्टी बनना। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हर व्यक्ति का एक ड्रीम बनता है। उस ड्रीम का पहला जो मेन नाम जो बोला जाता है ना, एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ही करता है उसी लिए, जिसका नाम है रॉयल्टी। यस, रॉयल्टी। रॉयल्टी के विषय में एक बात कही जाती है कि जीवन के साथ और जीवन के बाद, बच्चे के साथ, बच्चे के बाद, बच्चे के बच्चे के बच्चे, 7 जनरेशन। एक बार काम कर दो तो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, 7 जनरेशन पैसा आता रहता है। सिर्फ पेंशन टाइप नहीं आता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क नीचे खड़ा हो जाता है। यस यस, जो पहला लेवल है आपने देखा गोल्ड पीन अचीवर, अभी राकेश जी आए थे। इसके बाद एक लेवल होता है प्लेटिनम, जहां एक व्यक्ति का बिजनेस लगभग 5 लाख बीवी होता है। उसके बाद तीसरा लेवल होता है प्लेटिनम, सॉरी पहला गोल्ड, फिर स्टार गोल्ड, फिर प्लेटिनम, और चौथा स्टार प्लेटिनम, जहां एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क के जरिए 7 लाख बीवी करना पड़ता है, जिसका अमाउंट लगभग 14 लाख रुपया होता है एक महीने में।
टर्नओवर। अरे आपके इलाके के अच्छे अच्छे दुकानदार, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी 14 लाख का सेल नहीं कर पाते, और उसके बाद भी 12 घंटा उस दुकान की निगरानी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, और एक व्यक्ति बोल बोल के हिंदुस्तान के हर शहर में अपना बिजनेस लेके आता है, वहां पे लोग नमक खाते हैं और रॉयल्टी इनके घरों में आती है। एक एक महीने की इनकम 70,000। कितनी? और करना क्या पड़ता है? डांस करना क्या पड़ता है? अरे हमारे समाज में कहा जाता है, लाला लाख कमाए उसको मिलती है गाड़िया, यहाँ 100, 500, 1000 की चेक आती है और मिलती है तालियां। तो आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति का सेलिब्रेशन क्योंकि मेरे हाथों हो रहा है, थोड़ा उल्टा हो गया है गंगा। यस, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला प्रोग्राम है और खुशी खुशखबरी आपको मिलने आ रही है अभी, जब हर महीने होने आ रहा है। तो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी था रॉयल्टी का। 7 लाख बिजली, ये नॉर्मल पिन नहीं है, 7 लाख बिजली का मतलब 14 लाख पर मंथ सेल। 14 लाख पर मंथ सेल का मतलब कई करोड़ लगाने के बाद यहाँ फ्री में ताली बजा के बजाओ ताली 14 लाख। यस, करना चाहते हैं? यस, सेलिब्रेट करिए। ओके, मुझे ही देना है। नहीं, 2 से 3 मिनट आप लोगों से मैं क्यों मैं किया ये बताना चाहूंगा। एक मैं बाय रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी ज्यादा सेलिब्रिटी थे इसमें तो लेट हुआ है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे का जो समय है अभी आने वाला है हमारे गुरुदेव का, इसको धैर्य पूर्वक सुन के जाइएगा, अपने आप को यहाँ बना के जाइएगा। मैं दवा देता हूँ बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। मैं पहले बता चुका, नाम जयप्रकाश मौर्य, मेरी जन्मभूमि चंदौली है, मैं चंदौली का रहने वाला हूँ और फरीदाबाद में मैं 2010 से हूँ। फुल टाइम आरसीएम बिजनेस 2016 से कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं बिजनेस में आया, मुझे किसी अपने सोच के हिसाब से, आज के समाज के लोगों की सोच के हिसाब से मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी। 2010 में मैं एक पैंट शर्ट में इस फरीदाबाद के आया था। फरीदाबाद में अपनी जिंदगी की शुरुआत मैंने सब्जी बेचने से शुरू करी थी। कई लोग बोलते हैं कि स्टेज पे जाने के बाद सबके सब सब्जी बेचने वाले और सबके सब भिखारी, सबके सब ये होते हैं। मैं दोस्त में कहना चाहता हूं कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम उसी को समझ में आ रहा है जिसके पास कोई विकल्प। हेलो, तो मेरे पास उस समय नहीं था, मैं अच्छा खासा सब्जी बेचने से अपने करियर शुरुआत की थी, लेकिन लास्ट जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मेरी सैलरी 35,000 हो गई थी। तो मुझे क्यों समझ में आ गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी। मेरी जो मुलाकात जब मेरे सर से हुई थी उस समय मेरी सैलरी 35,000 थी, मेरा घर मकान अपना था, मैंने घर में एसी लगा के सारी सुविधाएं मेंटेन करता था। लेकिन अचानक एक दिन मेरे भाई के फोन पे फोन बजा और वो फोन था हमारे सबके गुरुदेव आदरणीय अजय सर, एक बार सर के नाम पर मैं ताली चाहूंगा।
सर ने बोला मैं अजय दुबे बोल रहा हूँ, मैं जानता था सर को, मेरे मित्र के बड़े भाई हैं सर को। मैंने बोला सर वेलकम है आपका। बोले मैं दिल्ली स्टेशन पे हूँ। मैंने उनको लोकेशन दिया, घर पे बुलाया और घर पे सब आए। सब कुछ बातचीत होने के बाद लास्ट में सर ने बोला था कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना है ये जान लो, बाकी आपकी मर्जी है। सर ने बोला था कि एक बार अगर आपने नेटवर्क बना दिया, एक बार आपने इस बिजनेस को डेवलप कर दिया तो आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों को पैसा आएगा। ये बात मेरे को समझ में आया था, क्योंकि दोस्त मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, दिल से मैं बता रहा हूं, कोई आज बनावटी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जब मैं 8 साल का था, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे छोटा भाई जो सबसे छोटा मेरी माँ के गर्भ में था और मेरे से जस्ट छोटा भाई वो 5 साल का था, तब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। हम लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए थे। मैं बताऊं तो उस समय कच्चा मकान हुआ करता था मेरे घर पे। जैसे मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, देख रेख करने वाले लोग नहीं होते थे, क्योंकि कच्चे मकान पे चढ़ के उस समय देख रेख किया जाता था। और 1 साल 1.5 साल के अंदर वो सारा मकान ढह गया। एक पक्का मकान बना हुआ था जिसमें छत पे सोलिंग नहीं हुई थी। और जब वो बारिश होती थी ना, जब बारिश होती थी लगातार तो बारिश छत के नीचे से आता था और नीचे पूरे हम लोग के कमरों में टपकता था। जानते हैं हम लोग रात भर कैसे सोते थे। एक चारपाई हुआ करती थी, उसके ऊपर पन्नी डालते थे हम लोग और पूरी रात उस पन्नी पे पानी गिरता था और चारपाई के नीचे चला जाता था। हम 4 भाई बहन एक चारपाई पे सोते थे और सुबह जगते के साथ ही उठता था और पूरे गाँव में घुमा करता था। घर का मुंह नहीं देखता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर पे आने के बाद पैर के नीचे किच-किच कहीं बैठने का जगह नहीं हुआ करता था। ऐसी जिंदगी मैंने जिया था। मेरे गुरुदेव ने मेरे से एक बात कहा था कि भगवान न करे आज जो आप इनकम ले रहे हैं, जो आज आपके घर में पैसा आ रहा है, अगर आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या वो इनकम आपके घर में आएगी। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो इनकम आपके घरों में आने वाली है? आने वाली है? विश्वास नहीं था मुझे कि ये बिजनेस इस तरह का कर सकता है, लेकिन मैंने अपने गुरुदेव के दामन को पकड़ा, उनकी उंगली को पकड़ा, मैंने चलना शुरू किया, मैंने काम करना शुरू किया और मैंने पहले दिन उस नौकरी को रिजाइन कर दिया। कुछ साथी इस हॉल में हैं जो मेरे को जानते थे कि इसकी कैसी नौकरी थी और मैं पहले दिन से मैंने उस काम को करना शुरू किया। आज भी बिजनेस संघर्ष बहुत सारे मेरी जिंदगी में आया, बहुत सारे लोगों ने हमको ताना दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें जो है कि प्रताड़ित किया। हमारी माँ हमारी बहन हमारे जीजा सभी रिश्तेदारों ने हम लोगों से इस तरह का रिश्ता बना लिया था, दूरियां बना लिया था, लेकिन मैंने ठान लिया था मैं इस बिजनेस को करूंगा। मैं करता गया। 3 महीने तक मेरे टीम में सिर्फ 3 लोग ज्वाइन थे और उसके बाद आने वाले 4 महीने में इस बिजनेस का स्टार अचीवर बना और आने वाले 1.5 साल में इस बिजनेस का राइटी अचीवर बना। और आज आपके बीच में इस राइटी की सबसे बड़ी पील पे हूँ जहाँ पे महीने की इनकम 70,000 रुपए आती है। हेलो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ आरसीएम क्यों करना है, अपने परिवार से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए और उसके बाद इस बिजनेस की शुरुआत करिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लोग समझते हैं ये साबुन तेल धनिया मिर्च मसाला बेचने का बिजनेस है। मैं दोस्त आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सभी के सभी लोग काम करते होंगे, सभी के सभी लोग नौकरी करते होंगे, इसमें कोई दौरा नहीं। कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कुछ होगा, लेकिन मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि मार्च के बाद अपनी परिस्थितियों को चेक कर लेना। हर कोई माइनस में गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्च के बाद मेरी परिस्थितियां चेक कर लेना। मैं पहले 1.25 लाख की बाइक खरीदा, आज मैं 6.5 लाख की कार खरीद के इस लॉकडाउन में लेकर आया हूँ। ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस की। हेलो, समझ में नहीं आता कि आरसीएम बिजनेस क्या है? अरे मैं बताता हूँ कि आरसीएम बिजनेस क्या है। लॉकडाउन हुआ, सब लोग घर में बैठ गए, लॉकडाउन हुआ, सभी लोगों का काम बंद हो गया, लेकिन मेरा काम डबल हो गया। पूछिए कैसे हो गया? लॉकडाउन जब हुआ तो लोग घर में बैठे, लेकिन नमक खाना बंद नहीं किए। पहले 2 टाइम खाते थे, लॉकडाउन के बाद 3 टाइम खाना शुरू कर दिए। मेरा पहले 2 पैकेट एक घर में नमक जाता था, लॉकडाउन के बाद 3 पैकेट 4 पैकेट नमक जाना शुरू हो गया, 4 पैकेट हल्दी धनिया मिर्च जाना शुरू हो गया। पहले बिस्किट लोग कंपनी में नहीं खाते थे, घर बैठने के बाद चाय में बिस्किट खाने लगे, मेरा बिजनेस बढ़ गया। इस तरह का बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत बड़ा बिजनेस है। आज ये जो मेरे पास अचीवमेंट है, ये जो मेरे पास ट्रॉफी है, आज मेरे पास जो इनकम है, जो मेरी कार है, इसके आश्रय मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। लॉकडाउन में तो मैं घर बैठा था, आप सभी लोगों ने किया है, इसलिए अपने सम्मान में आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। ये आप लोगों का अचीवमेंट है, ये ट्रॉफी आपकी है और मैं नतमस्तक हूँ अपने गुरुदेव जिन्होंने मेरी उंगली को पकड़ा। मैं अपने अपलाइन, अपने लाइफ लाइन, अपने क्लास लाइन, अपने सभी लोगों का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनके सहयोग से मैं आज यहाँ पहुंचा। क्योंकि समय बहुत कम है,
मुझे अपने गुर्जर को सुनना है, क्योंकि उनके दामन को पकड़ के मैं रायटी गया हूँ, क्योंकि दामन को पकड़ के इमरान भी जाऊंगा। हेलो यस। तो समय का भाव है, मैं अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा सर को, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो मेरी पहली इनकम आई थी वो 101 रुपए, कितनी आई थी 101, हाईएस्ट इनकम मेरी 68,798। हेलो। और टोटल की बात करूं आज तक अपडेट कर दीजिए, अगर 2020-21 की बात करेंगे तो 4,00,000 से ज्यादा, टोटल 14,00,000 से ज्यादा आ चुका है 4 सालों में। हेलो। और ये बात 14,00,000 की नहीं है, अरे मेरे दोस्त, आने वाले 2 से 3 साल में ये 14,00,000 रुपया पर मंथ आने वाला है। मैं अपनी ताकत से नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों के प्यार और सम्मान के वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग 70,000 पे जाना चाहते हैं, तो मुझे 14,00,000 पे जाना ही पड़ेगा। यस। क्या आप तैयार है? Yes. तैयार है? Yes. तो आने वाले दौर में इससे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे हम लोग, और उसकी तैयारी कैसे करना है, उसमें कैसे काम करना है, हम लोग गुरुदेव से सीखना है, इसलिए मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ कृष्णा सर को, एक बार जोरदार तालियों सर के लिए। सर ये लोग कैसे लगे आपको? झकास लगे? यस। इनके जैसा बनना चाहिए? यस। इनके जैसा तैयारी भी करनी होगी? यस। हमें संघर्ष भी करना होगा? यस। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए इनके जैसे बनने के लिए, और इनकी भी बारी है, इन्हें भी ऐसे भेज दिया जाए? नो। इनसे भी कुछ किया जाए? यस। और यहाँ से भी आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता।